हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्जी एसिड की नेमिंग के बारे में। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑक्जी एसिड की हेल्प से दूसरे ऑक्जी एसिड्स के नाम लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑक्जी एसिड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली जो ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, अगर आप उनकी वाटर से रिएक्शन कराते हो, अगर आप एसिडिक ऑक्साइड्स की वाटर से रिएक्शन कराते हो, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है दैट इज ऑक्जी एसिड। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्जी एसिड्स आर पॉसिबल इन विच हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, है ना। वहां पे जो एच होगा, जो ऑक्सीजन से अटैच होगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, इसलिए हम उनको बोलते हैं ऑक्जी एसिड्स। और उन ऑक्जी एसिड्स की नेमिंग कैसे करनी है, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या है, मैं आपको बेसिक बता दूं कि आपको एटलीस्ट एक ऑक्जी एसिड का नाम पता होना चाहिए। आपको ये आइडिया होगा कि जो ऑक्जी एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखे हुए होते हैं उनको हम एक एसिड कहते हैं, और जो ऑक्जी एसिड्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखे हुए होते हैं उनको हम असेसिड कहते हैं। तो अगर आपको एक 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 एसिड का नाम याद है, तो आप उनकी हेल्प से बाकी के जितने टाइप के पॉसिबल ऑक्जी एसिड्स होते हैं उनके बारे में बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऑक्जी एसिड है जिनके नाम अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप उनकी हेल्प से बाकी के ऑक्जी एसिड्स के नाम लिख सकते हो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, अगर आप फॉस्फोरस का ऑक्जी एसिड की बात करते हो तो दैट इज H3PO4। और सबको इसका नाम पता होगा कि जो फॉस्फोरस का ऑक्जी एसिड H3PO4 होता है, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, है ना भाई। इट इज फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन का जो ऑक्जी एसिड है HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। सल्फर का जो ऑक्जी एसिड है H2SO4, बहुत ही कॉमन यूज है इसका, है ना, ये क्या कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरीन का जो ऑक्जी एसिड है दैट इज HClO3, इसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड। अगर आपको ये कुछ ऑक्जी एसिड्स के नाम पता हैं जो उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप H3BO3, इसको क्या कहते हैं, बोरिक एसिड, है ना, या फिर H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो अगर आपको ये एक एसिड्स के नाम पता है, ये पेरेंटिक एसिड हैं, तो आप इनकी हेल्प से बाकी के ऑक्जी एसिड्स के नाम लिख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हमें इनकी हेल्प से बाकी के ऑक्जी एसिड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है भाई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक पेरेंट एक एसिड है, इसको मैं लिख देता हूं पेरेंट एक एसिड, है ना। अगर आप इससे एक ऑक्सीजन रिमूव करते हो, अगर मैंने पेरेंट एक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो अगर आप पेरेंट एक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव करते हो, तो जो भी ऑक्जी एसिड बनेगा उसका जो नाम लिखोगे आप, वो एक एसिड की जगह हो जाएगा असेसिड, ठीक, दैट इज असेसिड। अब अगर आपने अस एसिड से भी एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, है ना, तो ये जो एक एसिड आ रहा है दिस इज बेसिकली सफिक्स, है ना, और ये अस एसिड आ रहा है ये भी क्या है, सफिक्स है। तो अगर आपने अस एसिड से एक और ऑक्सीजन रिमूव किया तो इसका नाम क्या होगा कि आप इसके पहले प्रीफिक्स ऐड करोगे हाइपो, फिर आप उसका प्रॉपर नेम लिखोगे और लास्ट में सेम चीज आएगी अस एसिड, वो हो जाएगा हाइपो अस एसिड। फर्दर अगर हम बात करें कि ये जो अस एसिड था, अगर आपने इसके मॉलिकुलर फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने क्या किया, इस अस एसिड के मॉलिकुलर फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास अगर H3PO3 होता, ये अगर H3PO4 एक एसिड था, इससे मैंने एक ऑक्सीजन निकाला, H3PO3 बन गया, आप इसके मॉलिकुलर फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, H6P2O6, और आप इसमें से एक वाटर रिमूव कर दो तो बन जाएगा H4P2O5। तो अगर आपने अस एसिड को 2 से मल्टीप्लाई किया उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, तो आप उसका जब हम नाम लिखोगे तो उसमें एक प्रीफिक्स आएगा पायरो और डॉट डॉट डॉट, आप उसका जो भी नाम है वो लिखोगे और लास्ट में आएगा अस एसिड। इसका ऑल्टरनेट आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डाई, उसका नेम असेसिड, ठीक है भाई। अब फर्दर बात करें, अगर आपने जो पेरेंट एक एसिड था इससे डायरेक्टली एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया,
आपने क्या किया, पेरेंट एक एसिड से डायरेक्टली एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, तो इसमें एक प्रीफिक्स आएगा मेटा, और आप इसको बोलोगे मेटा एक एसिड, है ना। अब मेटा एक एसिड कब बनेगा ये भी सोचने वाली बात है। जैसे मान लो आपके पास पेरेंट एक एसिड H2SO4 था, अगर आपने H2SO4 से एक वाटर बाहर निकाला तब तो इसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे और ये क्या बनेगा SO3। तो क्या SO3 एसिड है? SO3 तो ऑक्साइड है, इसका मतलब ये मेटा एक एसिड नहीं है। मेटा एक एसिड अगर बनेगा तो ऑक्सी एसिड तभी होगा जब उसमें ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्साइड है। अगर ये ऑक्साइड है तो H2SO4 से आप मेटा एसिड नहीं बना सकते। अगर मान लो मैंने यहाँ पे H3PO4 लिया होता और H3PO4 से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन जाता HPO3। इसके पास अभी भी हाइड्रोजन है, अगर इसके पास अभी भी हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सी एसिड है, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पेरेंट एक एसिड से मेटा एक एसिड बनाना है वाटर निकाल के, तो इसका मतलब है पेरेंट एक एसिड में मिनिमम हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 3। अगर पेरेंट एक एसिड में 3 से कम हाइड्रोजन है तो आपका जो बनेगा कंपाउंड वो क्या होगा, ऑक्साइड, ना कि ऑक्सी एसिड। तो आप उन एक एसिड से मेटा एक एसिड नहीं बना सकते जिनके पास 3 से कम हाइड्रोजन है। इसीलिए मेटा बनाने के लिए मिनिमम कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। और आगे अगर हम बात करें कि मैंने इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को भी मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे तो यहां से भी जो एसिड बनेगा उसका नाम भी आप ऐसे लिख सकते हो, पायरो एक एसिड, ठीक है भाई। या फिर इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो, और डाई एक एसिड। अब अगर मैं डाई एक एसिड या पायरो एक एसिड में एक ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूं या एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, अगर मैंने पायरो एक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो यहां पे जो बनेगा उसका नाम आप लिखोगे, उसमें एक प्रीफिक्स यूज करोगे हाइपो डॉट 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 एक एसिड। और अगर आपने पर एसिड पायरो एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पर डाई एक एसिड, ठीक है बेटा। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स के नाम लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने पेरेंट एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। आप अगर हेलोजन एक एसिड था और आप उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो इन केस ऑफ हेलोजन, सो हेलोजन एसिड, अगर आपके पास हेलोजन एसिड है और आप उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप इसको बोलोगे पर एक एसिड, है ना। बट अगर आपके पास हेलोजन एसिड के अलावा और कोई ऑक्सी एसिड है तो आप इसको पर एक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको परोक्सी एक एसिड भी बोल सकते हो, दोनों ही सही होगा। ये एक नॉर्मल सी ट्रिक है जिससे अगर आपको पेरेंट एक एसिड का नाम पता है तो आप उसकी हेल्प से उसके सारे टाइप के पॉसिबल ऑक्सी एसिड्स के नाम लिख सकते हो, है ना। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारे नाम और उनके कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिख के बताता हूं, है ना। इसको नोट करो, इसके आगे हम फिर डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, अगर मान लो मैंने एक H3PO4 लिया और मैं आपको इसे क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं, मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव किया, मैंने इसको ए बोला, इससे मैंने दूसरा ऑक्सीजन रिमूव किया, इसको मैंने बी बोला, इस ए को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके एक वाटर बाहर निकाल दिया, इसको मैंने सी बोला, इससे डायरेक्टली मैंने वाटर बाहर निकाल दिया, इसको मैंने डी बोला, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके एक वाटर बाहर निकाला, इसको मैं ई बोल देता हूं, ई में मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, इसको एफ बोल देता हूं, इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूं, इसको मैं जी बोल देता हूं, और यहां पे मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, इसको मैं एच बोल देता हूं। तो अगर मुझे ए से लेके एच तक के सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, हालांकि स्ट्रक्चर की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, आज हम सिर्फ उनका नाम लिखना सीख रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जो हमारा H3PO4 था, इसका नाम आपको पता है, अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि H3PO4 का नाम क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड।
अब अगर फॉस्फोरिक एसिड से आपने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा उसका, H3PO3। और नेम में सिर्फ कितना चेंज करना है, एक एसिड से सबसे पहले क्या बनेगा अस एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है भाई, फर्दर अगर हमने इससे एक ऑक्सीजन और रिमूव किया तो H3PO3 से एक ऑक्सीजन और रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा H3PO2। तो H3PO2 का नाम क्या हो जाएगा बेटा, अस एसिड था, एक प्रीफिक्स एक्स्ट्रा आएगा दैट इज हाइपो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है बेटा, उसके बाद सी में अगर हम बात करें, ए को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये H6P2O6 हो जाएगा, इसमें से आपने एक वाटर बाहर निकाल दिया, तो अगर आप H6P2O6 से एक वाटर बाहर निकालोगे तो H4P2O5 बनेगा, और H4P2O5 का नाम क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपने अस एसिड में 2 से मल्टीप्लाई करके एक वाटर बाहर निकाल दिया तो आप इसको क्या बोल सकते हो, पाइरोफॉस्फोरस एसिड, या फिर और डाइफॉस्फोरस एसिड। इसके बाद फर्दर हम बात करें डी की, अगर हमने H3PO4 में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा HPO3। HPO3 का नाम क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, मेटा, तो ये क्या हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है भाई, और फर्दर अगर हम बात करें ई की, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, अगर आप H3PO4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, H3PO4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज H6P2O8, और आपने उसमें से एक वाटर बाहर निकाल दिया तो क्या बन जाएगा H4P2O7, और H4P2O7 का क्या नाम हो जाएगा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, डाइफॉस्फोरिक एसिड। फर्दर अगर हम बात करें एफ की, तो हमने क्या किया, इस पाइरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा H4P2O8, और H4P2O8 के अगर नेम की हम बात करेंगे तो हम अगर डाइफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, पर डाई फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम जी की बात करें, तो हमने इसमें से डाई फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H4P2O6। इसका नेम कैसे लिखेंगे बेटा, हमने डाई फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, है ना भाई। उसके बाद अगर हम H वाले की बात करें, तो हमने इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा H3PO5। अगर ये H3PO5 हो गया तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने जब एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हम परोक्सी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा परोक्सी फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है भाई, तो आप इस तरह से, आपको अगर एक एक एसिड का नाम पता है तो आप उसकी हेल्प से जितने टाइप के पॉसिबल ऑक्सी एसिड्स हैं उनके नेम्स को लिख सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम नेक्स्ट जब भी क्लास लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इन्हीं ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बताएंगे कि उनमें किस तरह की लिंकेज आ रही है। आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे, कहीं कहीं आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज SS लिंकेज, या SOOS लिंकेज, या SOS लिंकेज, POP लिंकेज। तो जो लिंकेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम इनके स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।